हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, और आंसर्स आपके कैसे आ रहे हैं, ये आपका फीडबैक हम लोगों को मिलता रहे ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरे पढ़ाने में अभी कुछ ऐसा तो नहीं बच रहा है कि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, है ना। मैं तो आपको वैसे ही पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आए अच्छे से, जो भी बेसिक्स हैं, जहाँ मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया भी होगा एंड आई होप कि आप लोगों को सारे आंसर्स इजीली मिल जा रहे होंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें हम लोग 5.2 एक्सरसाइज अप्रॉक्सीमेटली फिनिश कर चुके थे। कुछ लास्ट के क्वेश्चन बचे हुए थे, आज हम लोग उन्हें को सॉल्व करेंगे। तो आपके क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आपका 16-19 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था ना, आगे जो भी क्वेश्चन है। चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज अभी आपकी 5.2 ही है, इसमें लास्ट जो टाइप बच रहा था एक्सरसाइज 5.2 में ना। वैसे तो सारे टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज हम लोग जो कुछ एक लास्ट में क्वेश्चंस गिवन है आपको, वो हम सॉल्यूशन देखेंगे कि उनका कैसे करते हैं, और कुछ प्रैक्टिस करेंगे आपको आपके आंसर्स। आपको क्वेश्चन मैं दूंगी और आपको सॉल्व करके उनके आंसर्स मुझे बताना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ पी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ पी प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड q माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एंड x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एंड x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका। फाइंड values of x if p plus 7 is equal to 0 and q minus 12 is equal to 0 and x square plus px plus q is equal to 0। आप देख रहे हैं ये आपकी क्या है, एक quadratic equation है। ठीक है, लेकिन बाकी इक्वेशन से ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इधर हमें एक्स स्क्वायर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इक्वेशन तो मिल रही है, बट पी एंड क्यू भी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, एंड पी और क्यू प्रेजेंट होने के साथ साथ आपको इसमें दो कंडीशंस गिवन है कि पी प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड क्यू माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था, इसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने कहा था आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करना है इक्वेशन भी उसी के टर्म में होनी चाहिए, उसी के फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। मींस इस इक्वेशन में p एंड q नहीं होना चाहिए। अगर p एंड q है और हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर p एंड q के टर्म में आ जाएगा। तो कैसे हम रिप्लेस करें p एंड q को, या फिर p और pq की वैल्यू कैसे फाइंड करें, इसके लिए आपको इन्होंने कंडीशन। ठीक है, आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि वी हैव पी प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सो पी इज इक्वल टू माइनस 7। एंड कह रहा है क्यू माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो क्यू इज इक्वल टू 12। ठीक है, हम यहां लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ
पी एंड क्यू इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, पी एंड क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में आप पी एंड क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। जब इसमें आप पी एंड क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस पी के प्लेस में क्या आना है माइनस सेवन एक्स प्लस क्यू क्या है आपका 12 इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अभी आपकी जनरल इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करके आंसर बताएं। चले फटाक से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व करके इसके आंसर्स बताएं। थिंक आंसर आपका 4 एंड 3 आना चाहिए यहाँ पर, है ना, देखते हैं। बिकॉज मल्टीप्लाई करने से 12 आना है एंड प्लस करने से 7 आना है, तो 4 3 सा 12 एंड 4 प्लस 3 7। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू 4। इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू 3। ये आपके आंसर्स हैं। आपको 4 मिल गया 3 मिल गया, मीन्स आपको अगर किसी क्वेश्चन को इस तरीके से अगर दे दी जाए तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कंडीशन गिवन है तो वहां से आपको जो भी वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है आप उसे फाइंड करेंगे, फाइंड करके अपने जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपको सिंपल क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन मिल जाएगी। और जब आपको सिंपल क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन मिल जाएगी आप रैंडमली जैसे आप सॉल्व करते थे सॉल्व करके अपने आंसर्स पा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इफ एक्स इज इक्वल टू 23 इज सॉरी नॉट 23 इट इज 3 इफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ the equation of the equation k plus 2 into x square minus kx plus 6 is equal to 0 minus kx plus 6 is equal to 0, then find the values of k, find the values of k, find the other root of the equation, find other root of equation। होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। बिकॉज कैसे करेंगे, क्या है एक एक स्टेप देखते हैं। क्या बोला है, इफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। अगेन अनदर वेरिएबल k इज प्रेजेंट। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k,
आप याद करें अपनी 5.1 एक्सरसाइज, हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था कि इफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन, इफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन देन इट इज ऑब्वियस दिस वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ओके, मैंने आपको बोला था अगर कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन होती है, जीरोज होती है, रूट होती है, तो वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एंड सेटिस्फाई मीन्स हम क्या कर सकते हैं, एक्स के प्लेस में 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमने किया, हमने लिखा सिंस सोल्यूशन, ठीक है, लिखा हमने सिंस एक्स इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सो पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन। एक्स इज इक्वल टू 3 पुट किया, क्या मिल गया, के प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स के प्लेस में क्या पुट करना है, हमें 3 पुट करना है, इंटू 3 स्क्वायर माइनस k into 3 plus 6 is equal to 0. 3 square means 9 into k plus 2 minus 3k plus 6 is equal to 0. Abhi, aap khush ho gaye? This is a equation in the form of the k. So, it is very easy to find the value of k. Okay? Solve it. 9k plus 18 minus 3k plus 6 is equal to 0. 9k minus 3k, it means 6k. 18 plus 6 means 24. That is equal to 0. 6k is equal to minus 24. Then k is equal to minus 24 upon 6. It means k is equal to minus 4. Okay? Value of k is minus 4. फर्स्ट आंसर मिल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, अभी कह रहा है फाइंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, व्हाई इट इज आस्क अदर रूट। ठीक है, अदर रूट मींस क्या, हमें पता है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज नेसेसरी वी हैव टू फाइंड टू रूट्स बिकॉज डिग्री इज 2। व्हेन डिग्री इज 2 देन आपके के एक्स के आंसर्स भी कितने आएंगे, आपके 2 ही आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे और 2 से कम नहीं आने चाहिए। अगर 2 से कम आते हैं तो आपका आंसर अधूरा होगा। इसने हमें एक रूट दे दिया, हमें अदर रूट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें के की वैल्यू मिल गई है, पुट कर देंगे इस इक्वेशन में के की वैल्यू, लिखेंगे पुटिंग, इधर लिख सकते हैं हम फॉर सेकेंड रूट, पुटिंग k इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन k इज इक्वल टू माइनस 4 मीन्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k के प्लेस में माइनस 4 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 प्लस 2 मीन्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस है, मैंने कहा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए आप माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस है, ये माइनस का 4 एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। Means 2x square minus 4x minus 6 is equal to 0. आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, आप इसे सॉल्व, अभी 2 से ये पूरा कैंसिल हो सकता है, इसलिए आप क्या करें, यहाँ 2 भी कॉमन ले लें, माइनस के साथ में इधर 2 भी कॉमन ले लें, तो ये आपका क्या बच जाएगा, x square minus का 2x and minus का 3, x square minus में 2x माइनस में 3, ये माइनस 2 जीरो की साइड में जाके जीरो हो जाएगा। अभी आपको फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने से 3 एंड माइनस करने से 2 मींस 3 एंड 1, 3 वन जा 3, 3 माइनस 1 मींस 2, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स
प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस थ्री प्लस वन, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. सो रूट्स आर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका थ्री एंड माइनस वन. फर्स्ट रूट इज थ्री एंड सेकेंड रूट इज माइनस वन. ओके, योर बोथ आंसर्स आर माइनस वन एंड माइनस फोर. इज दैट क्लियर? ओके, निकाला k की वैल्यू माइनस फोर आ गई. अदर रूट बोला था, अदर रूट आपका क्या हो गया, माइनस वन हो गया. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन था. ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी. देखिए क्वेश्चन यहां कह रहा है सॉल्व टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर. टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. चले करके दिखाएं, करें आंसर, बताएं जल्दी से क्या आएगा. अभी जितने टाइप्स थे मैंने आपको हर सॉल्यूशन, हर टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं. अब आपको सेकंड एक्सरसाइज जो आपने 5.2 की है उसकी प्रैक्टिस करनी है. इसका सॉल्यूशन बताएं जल्दी से, करें इसका आंसर. अब आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत की है इसलिए आंसर भी जल्दी आना चाहिए, बिल्कुल फटाक से, तभी तो लगेगा ना कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं. चलें जल्दी करें, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है. बहुत इजी क्वेश्चन है. What is the answer? Okay, हो गया होगा. चलिए मैच कर ले अब आप लोग. अभी मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इसको रीड करना है कॉन्स्टेंट के साथ. कॉन्स्टेंट के साथ रीड किया, हो गया 2 ए स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई करके लाना है. इसके पास साइन है माइनस, माइनस करने से लाना है आपको a. Then factor क्या हो जाएंगे, 2a minus a, 2a minus a is equal to a and 2a into a is equal to 2a square. So factor is 2a and a. Solve किया हमने 2x square plus 2ax minus ax minus a square is equal to 0. 2x common लिया, x plus a minus a common लिया, x plus a is equal to 0. Whole common x plus a and the remaining part is 2x minus a is equal to 0. If x plus a is equal to 0, so x is equal to minus a. If 2x minus a is equal to 0, so 2x is equal to a and x is equal to a upon 2. Answer minus a एंड ए अपॉन टू. होप सभी का यही आंसर आया होगा. किसका इसका आंसर ये आया है? ओके,
सिक्स स्टूडेंट्स का सही आंसर आ रहा है. वाओ वेरी गुड. चले नेक्स्ट क्वेश्चन में. भाई आपने पढ़ा है अच्छे से तो अब मुझे लगना तो चाहिए ना कि आपको वो समझ में आया. जब आप आंसर देंगे सही तभी तो समझ आएगा ना मुझे. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0. जल्दी से आंसर दें इसका. ओनली 2 मिनट. हो गया सभी का. क्विक फास्ट. चले देखते हैं. √3 इसके साथ रीड किया हमने. √3 मीन्स 3 हो गया. 3 and 7 3 7 21 हो गया. मल्टीप्लाई करने से 21 इधर है. प्लस प्लस करने से लाना है आपको 10. 7 3 21 and 7 plus 3 10 means √3x² + 7x + 3x + 7√3 = 0. आपने क्या किया यहाँ से रूट थ्री और सेवन से कॉमन तो कुछ हो नहीं सकता सो सिर्फ x कॉमन ले लिया. इधर बच गया √3x + 7. मैंने बोला था ये रूट थ्री है तो 3 से भी रूट थ्री कॉमन ले सकते हैं. इधर से मैंने रूट थ्री कॉमन लिया. x + 7 = 0 होल कॉमन. x + 7 नो यस. इधर 3 था तो अगर हमने रूट थ्री कॉमन लिया तो √3x बचेगा. अब होल कॉमन क्या हो जा रहा है √3x + 7 एंड रिमेनिंग पार्ट इज x + √3 = 0. इफ √3x + 7 = 0 सो √3x = -7 एंड x = -7/√3. सो रेशनलाइज कर लिया मैंने. मैंने बोला था डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए. -7√3/3. If x + √3 = 0, so x = -√3. x = -√3 and -7√3/3. यही आंसर आ रहा है सभी का. ठीक है क्लियर है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 2 + x + 3 that is equal to 42. सॉल्व करें. आंसर दे जल्दी से. जल्दी से आंसर दें. देखें क्या आता है आंसर इसका.
स्पीड में करें थोड़ा सा। आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए, अब तो स्पीड आपकी मेंटेन हो जानी चाहिए। हो गया, चलिए देखें कैसे होगा। इसे भी इसमें हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन ऐसा डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 42। इसको मल्टीप्लाई किया एंड इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स टू एक्स एंड टू थ्री जा सिक्स। अभी सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका 2x स्क्वायर, x प्लस 3x मींस 4x, 4x प्लस 2x क्या हो गया आपका 6x, प्लस 6 एंड 42 व्हेन इट ट्रांसपोज टू द लेफ्ट हैंड साइड देन माइनस 42 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस क्या हो गया आपका 36, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अभी 2 कॉमन हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से आपको लाना है क्या 18 एंड साइन है माइनस, माइनस करने से लाना है आपको 3, देन 6 3 is 18, x square plus 6x minus 3x minus 18 is equal to 0, x common liya, x plus 6 minus 3 common liya, x plus 6 is equal to 0, x plus 6 and x minus 3 is equal to 0, so x is equal to minus 6 and 3, your answer, okay, are there sabhi ka answer? वेरी गुड, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलनी चाहिए जिससे आप कर सकते हैं। बस मेन तो आपकी प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके आंसर जल्दी से आएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स, सॉल्व इट। देखते हैं कितनी जल्दी आंसर आता है, जल्दी से बिल्कुल जल्दी आंसर आना चाहिए। आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो आपके आंसर बिल्कुल जल्दी आने चाहिए, वो भी विदाउट एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। अगर अभी भी आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, आप तो बहुत बड़े धुरंधर है भाई, करें जल्दी से आंसर। आंसर आ गया आपका
मैंने आपसे बोला था कि रूट है, रूट हटाना है तो स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, बट दैट रूट वैल्यू प्रेजेंट इन वन साइड, ठीक है, सिंगल, इसके साथ में कुछ और नहीं होना चाहिए, बट मैंने देखा है प्लस टू है तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, आपका 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। एक्चुअल में आपका क्वेश्चन यही था, बट मैंने दिया था कि आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, स्क्वायर किया हमने रूट 2x² माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल 2x माइनस 2 होल स्क्वायर, if it is squared then 3x² minus 2x minus 1 because root is cancelled and this is a minus b whole square, it means a square plus b square minus 2ab, access all values are arranged in one side in the case of quadratic equation, so 3x² 4x², it means minus 4x² minus 2x माइनस 8x ट्रांसपोर्ट, देन इट इज प्लस 8x माइनस 1, एंड व्हेन माय प्लस 4 इज ट्रांसपोर्ट देन इट इज माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 0, 6x² माइनस 4x², इट मींस x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस इज कॉमन, x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, then your equation is x² minus 6x plus 5 is equal to 0. Multiply say 5 and plus करने से 6. 5 1 जा 5 and 5 plus 1 6. It means x² minus 5x minus x plus 5 is equal to 0. X minus 5, when minus 1 is common, then it is x minus 5 is equal to 0. Whole common x minus 5 and x minus 1 is remained, that is equal to 0. So x is equal to 5 and 1, your answer. Okay, सभी का आंसर आ रहा है? अगर अभी भी आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज एक बार फिर से वीडियोस को अच्छे से देखें, और क्वेश्चंस को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको मैथ्स एंजॉय करना है, अगर आपको मैथ सीखना है, आपका इंटरेस्ट आ जाए मैथ में, आप ऐसा चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं करें, ये ना सोचें कि भाई ये तो इजी ऐसे नहीं करना चाहिए, आप इजी क्वेश्चन हो टफ क्वेश्चन हो आपको सारे करना है, जब आप सारे करेंगे तभी आपकी छोटी छोटी जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना ये नहीं होंगी और आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। फर्स्ट टाइम आप कर लेंगे फिर आप देखेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट होता है, एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको लगता है कि ये मैम ने एक छोटा सा पॉइंट बताया है जो तो मुझे पता ही नहीं था, तो आप मैथ्स की कॉपी अलग बनाए और उसमें आप देखते हैं ना ऊपर मार्जिन होता है इंडेक्स के लिए, तो वहां पर आप छोटे छोटे की पॉइंट्स को नोट करते रहे ताकि एग्जाम टाइम में जब आपको रिवाइज करना हो, एग्जाम में क्या आपको लगता है पॉसिबल होता है कि पूरी बुक को सॉल्व किया जा सके, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करें, जैसे मैंने कुछ आपको बताया कि भाई रूट है तो रूट को क्या करना होता है कि हमें स्क्वायर करके रूट हटा देना होता है, या फिर मैंने आपको कुछ बताया तो आप अगर आपको लगता है कि मैं ये भूल जाऊंगा मेरे माइंड में ये नहीं रहेगा, आप उन्हें उस मार्जिन में नोट कर लें, ठीक है। और जब आप मार्जिन में नोट कर लें और आप जब प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में रॉन्ग हो जाते हैं आपसे, सेकेंड टाइम आप उन्हें देखते हैं तो आपके आंसर्स आ जाते हैं, लेकिन एक बार जब आप करते हैं तो वो आपके रॉन्ग जरूर होते हैं, तो क्या करें वहां पर एक टिक मार्क बना दें, उन क्वेश्चंस में एक टिक मार्क बना दिया करें ताकि जब एग्जाम टाइम में आप रिवाइज करें, इन द केस आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करें जो आपने मार्जिन में लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, वो रिवाइज कर ले और जो आपने टिक मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन फंसता है वो हमेशा ही आपको एक बार आपके माइंड को पॉज जरूर करेगा, एक बार आपके माइंड को रोकेगा जरूर, थोड़ा सा आप उस जगह पर रुकेंगे जरूर हमेशा, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाती हैं, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बस लेबर वाला काम स्टार्ट कर दिया, कि मनरेगा वाला काम शुरू कर दिया कि एक लाइन से कर डालेंगे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, एग्जाम टाइम में फिर से कर डालेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
एग्जाम टाइम में अगर आप ज्यादा हेडेक लेंगे सारे क्वेश्चन करने की, तो आपका क्वेश्चन पेपर अगर अच्छा होना भी है तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही जब आप पढ़ रहे हैं आप छोटे छोटे चीजों को करते चलेंगे, फिर आप देखेंगे एग्जाम में मैथ्स के लिए आपको बिल्कुल हेडेक ही नहीं रह जाएगी कि भाई मुझे अभी पढ़ना भी है। आप बिल्कुल फ्रैंक रहेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान रखें और ये आपके मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट पॉइंट्स होते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। चलें नेक्स्ट आते हैं आगे क्वेश्चंस में हम लोग। क्वेश्चन है 2x + 5 upon 3x + 4 that is equal to x + 1 upon x + 3। सॉल्व करें, देखते हैं कितने जल्दी आंसर आता है, फटाफट से दें आंसर इसका। हो रहा है सभी को? टाइम ज्यादा लग रहा है क्या सभी को? चले देखते हैं आपका आंसर आ गया होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कंडीशन होती है कि सिंगल न्यूमरेटर सिंगल डिनोमिनेटर होना चाहिए। यहाँ पहले से ही ऐसा है, हम सीधे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x + 5 × x + 3 = x + 1 × 3x + 4। मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 2x² + 6x + 5x + 15 दैट इज इक्वल टू 3x² + 4x + 3x + 4। 2x² and 3x², सो 2x² - 3x², 6x + 5x मीन्स 11x and 4x + 3x means kya ho jayega, 4 × 7x and if it is transpose then -7x plus 15 plus 4 minus 4 that is equal to 0. 2x² - 3x² it means -x². 11x - 7x means plus 4x plus 15 minus 4 means 11 that is equal to 0. Minus common liya, x² - 4x - 11 = 0. It means x² - 4x - 11 = 0. Okay?
ये क्वेश्चन है आपका, -11 and -4x कुछ गड़बड़ हुई है क्या इधर? 2x+5 upon 3x+4 और 2x+5 upon 3x+4 x+1 upon x+3 एक बार चेक कर लेते हैं. 2x+5 into x+3 x+1 into 3x+4 सभी की यही इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन यही बन रही है सभी की. चलिए देख लेते हैं एक बार. 2x² 2 3 6x 5x 5 3 15 ओके. 3x² 4x 3x and 4 ठीक है. 2x² -3x² ओके. 6 5 11x and 4 3 7x इधर ट्रांसफर किया माइनस का 7x +15 +4 इधर आएगा -4. 2x² - 3x² means -x² 11 - 7 means 4 4x 15 - 4 means 11 that is equal to 0 minus common liya x² - 4x - 11 is equal to 0 x² - 4x - 11 is equal to 0 इक्वेशन तो ये बननी चाहिए. चलें करें इसके आगे. बिल्कुल सही. देखें ये क्वेश्चन है बट ये आपकी 5.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है. ये क्वेश्चन आपकी 5.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड है बट मैंने ले लिया है इसलिए मैं आपको बोल दूं. मैंने सोचा था 5.3 आपकी कल मैं स्टार्ट करूंगी लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है इसलिए मैं आपको बता दूं. देखें आप देख रहे हैं कि आपका जो ये क्वेश्चन बन रही है इक्वेशन ये सबकी बननी चाहिए. सब लोग मैच कर ले अगर इक्वेशन ये नहीं आ रही है इसका मतलब कहीं गलत कर रहे हैं सब. आपको मैं बता दूं आपने जब ये इक्वेशन देखा तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई इस इक्वेशन में फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है? कॉन्स्टेंट वैल्यू 11 आ रही है जो कि मल्टीप्लाई करके लाना है एंड माइनस करने से आपको 4 लाना है. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 11 के कोई फैक्टर ही नहीं हो सकते. 11 अच्छा 11 ही हो सकता था. 11 सिर्फ 11 की ही टेबल में आता है एंड 11 - 1 करने से तो 10 आएगा, 4 आएगा ही नहीं आएगा. ठीक है. तो जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन बने जिसमें आपके फैक्टर नहीं हो सकते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं. आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ठीक है. श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है? x = -b + √b² - 4ac/2a कल हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और आप सेकंड जो आपकी 5.3 एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. मैं बता दूंगा आपको इस फॉर्मूले को आप सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में एंड इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में दोनों में यूज कर सकते हैं. मीन्स जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टर हो जा रहा है उनको भी अगर आपका फॉर्मूला आपको इजी लगता है आप इससे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं. बट जनरली इस इक्वेशन इस फॉर्मूले का यूज तभी किया जाता है जब आपके फैक्टर इजीली ना बन पा रहे हो. जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं बन पाते हैं हम फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. ओके अगर आपको मेंशन कर दिया है आपके क्वेश्चन में कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, अगर उसे बोल दिया फैक्टराइजेशन मेथड तो आपने अभी तक जैसे क्वेश्चंस किए हैं सब वैसे ही करना है. अगर उसने स्पेशली मेंशन कर दिया सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला सो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा. अगर वो मेंशन नहीं करता देन कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू. आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, आप जैसे भी चाहते हैं कर सकते हैं. ओके अभी मैं बोल दूं बी ए सी ये क्या है तो आप जानते हैं आपका जनरल इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c = 0 ठीक है. इसी से आप अपने इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं ax² means a = 1
ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है. अगेन व्हेन वी कंपेयर देन बी इज इक्वल टू प्लस बी एक्स, ओके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बट इट इज टू माइनस, सो एक्स कोफिशिएंट इज -4 बिकॉज यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस तो है नहीं, इसका मतलब इस माइनस को हम 4 के साथ रीड कर लेंगे क्योंकि जनरल फॉर्म इक्वेशन में तो इधर प्लस होना चाहिए, इसलिए इस माइनस को हम 4 के साथ रीड करेंगे. तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -4 एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ओके. देन c इज इक्वल टू, c भी क्या होता है, प्लस में होता है, इसका मतलब माइनस किसके साथ रीड किया जाएगा, 11 के साथ में, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -11. यही वैल्यूज आप इस पे पुट कर देंगे, आपके आंसर मिल जाएंगे. x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4 प्लस माइनस रूट पी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है आपकी 1, c क्या है आपका -11 अपॉन 2, a की वैल्यू है आपकी 1, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. अब इसे सॉल्व किया, माइनस माइनस क्या हो गया, +4 प्लस माइनस रूट, माइनस का स्क्वायर मीन्स प्लस, 4 का स्क्वायर 16, ओके 4 वन जा 4 एंड 11 4 जा 44, दिस माइनस मीन्स प्लस 44 अपॉन 2 वन जा 2 इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 6 4 10 4 वन 5 1 6 अपॉन 2, ठीक है, 60 के आप फैक्टर कर लेंगे, आप देखेंगे कि क्या आएगा. देखें 60 का रूट निकाल लें, 16, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, आप जब रूट में लिखेंगे इसे 2 × 2 × 3 × 5 तो आप क्या देखेंगे, 2 का क्या हो रहा है, पेयर बन जा रहा है, जब पेयर बन रहा है तो ये क्या होगा, आपके रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा, इसलिए ये क्या रह जाएगा, आपके रूट के अंदर रह जाएगा, मीन्स रूट 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√15, वही पुट कर देंगे यहाँ पर, 4 प्लस माइनस 2√15 अपॉन 2. अभी इधर देख रहे हैं 2 एंड 2 कॉमन हो सकता है ना, तो मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया, 2 जा प्लस माइनस 2 चला गया, √15 अपॉन 2, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बच गया, 2 प्लस माइनस √15. अब प्लस माइनस, अब तो कुछ नहीं सॉल्व हो रहा ना, सिर्फ ये बच गया आपका 2 प्लस माइनस √15, ठीक है, सो ये आपका x इक्वल टू था, x इज इक्वल टू, एक आंसर देखें, जब लास्ट में पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में जो प्लस माइनस बचता है तो क्या करते हैं, एक बार प्लस साइन, क्योंकि दोनों साइन तो एक साथ नहीं लिए जा सकते, तो वो इसलिए देता है ना कि हमें पता है कि भाई x के तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर्स आने चाहिए, तो दो आंसर्स कैसे आएंगे, तो जब एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, माइनस साइन ले लेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो वही यहाँ पर है, एक आंसर क्या हो जाएगा 2 + √15 एंड अदर आंसर क्या हो जाएगा 2 − √15, ओके ये आपके क्या है आंसर है, ये आपके फैक्टर है, ओके वैसे तो ये क्वेश्चन आपका 5.3 एक्सरसाइज का है, बट मैंने ले लिया था इसलिए अब सॉल्व कर लिया, ओके कोई इशू नहीं है, कल मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, ठीक है, समझ आ गया सभी को, आई थिंक कुछ भी ऐसा बचा ही नहीं है बताने, सिर्फ ये फॉर्मूला है, इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, और ये मैं कब यूज किया जाता है, जब आपके जनरल इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इजी रूट्स इजी हो फैक्टर्स ना फाइंड कर सके, अगर हम इजीली फैक्टर नहीं फाइंड कर पाते हैं तो फिर हम इसको यूज करते हैं, बाकी हमारे ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है, हम जब चाहें इसका यूज करें, कोई बाउंडेशन नहीं है, ओके.